गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग बहुत ही प्यारे, स्वस्थ और मस्त होंगे। चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। तो आज का ब्लॉग छोटा सा इंट्रो होगा मेरे रूम का। बहुत दिनों से घर पे थे और 2 महीना हो गया रूम को लिए हुए। आज दो महीने के बाद रूम पर मतलब टाइम ही नहीं मिलता है बॉस आने का। मतलब ऐसा कुछ हो मतलब है ही नहीं, मतलब रूम ले लिए छोड़ दिए और 2 महीने से रेंट दे रहे हैं हम और रूम को आने का मौका ही नहीं मिलता। अगर मौका मिलता है तो चाची के यहाँ रह जाते हैं, क्योंकि अकेला मन नहीं लगता रूम पे बस बैठे बैठे। तो ऐसे ही चले आते हैं। तो आज आए हैं बहुत दिनों के बाद रूम पे, अपने रूम पे। तो भाई सुकून लग रहा है, अच्छा लग रहा है कि भाई 2 महीने से रेंट दे रहे हैं लेकिन एक दिन भी हम रहे नहीं रूम पे। तो क्या करें बॉस, जीवन है, चलते रहता है। और फिलहाल अभी अपने रूम पे पहुँचे, अभी जस्ट बैग रखे हैं रूम पे और रूम को जैसा छोड़ के गए थे वैसा ही आज भी रूम वैसा ही है, क्योंकि कुछ भी नहीं चेंज हुआ इस रूम में। जैसा कि बेड है, एक चौकी है, एक बेड है इस पे जो कि मस्त लग रहा है आपको देखने में। एक दिन भी हम सोए नहीं हैं और इधर भी जस्ट पूजा किए हैं भगवान जी का। बहुत दिनों से रूम बंद था भाई और थोड़ा पूजा पाठ तो बनता है, तो आए आराम से पूजा की है एकदम मस्त बाबा बजरंगबली का। उधर आशीर्वाद लिए, अब यहाँ पर रहना है कुछ दिन। अभी फिलहाल अभी रहेंगे क्योंकि लाडो पियू को उसके नानी घर छोड़ दिए। मेरा ससुराल यहाँ से 5-6 किलोमीटर दूरी पे है और हम मेरा रूम वहाँ से, तो अभी अपने रूम पे आ चुके हैं और यहाँ पर रहेंगे अभी कुछ दिन। और मेरा काम भी है तो यहीं से रह के काम करेंगे, बीच बीच में जाया करेंगे लाडू पियू से मिलने के लिए। तो फिलहाल अभी रूम पे सारा व्यवस्था भी धीरे धीरे करेंगे। और अभी नीचे देख सकते हैं कि गैस है, गैस चूल्हा है वो, उस पर खाना पीना बनाएंगे कुछ दिन में। अभी तो नहीं बना रहे हैं लेकिन कुछ दिन में बनाएंगे। फैन भी ला के रखे हुए हैं जो कि यहाँ टांगेंगे यहाँ पे। अब देखिए मेरा रूम का, ये देखिए यहाँ पे सट जाता है मेरा हाथ, ये देखिए हाइट है मेरा भाई, हाइट है, छोटा है इंसान, कद के इंसान नहीं है, हाइट है मेरा। और इधर एक छोटा सा मिरर लगाया हुआ है। आज आपको पूरा रूम का टूर ही दे देते हैं, ऐसा कुछ है नहीं रूम टूर देने का मेरे रूम में, लेकिन फिर भी एक छोटा सा टूर दे देते हैं जो भी है। इधर एक मिरर है, एक कंघी रखे हैं जो कि आज तक अभी कंघी किए नहीं है। और इधर कुछ किचन का सामान रखे हुए हैं जो कि अभी तक कुछ भी सामान नहीं रखे रखेंगे कोई नहीं, अभी सब कुछ ऐसे ही रखा हुआ है। और इधर थोड़ा सा बाहर का वो सीन दिखाते हैं अपने रूम का। तो इधर एक छोटा सा बाथरूम दिया हुआ है और बाकी बड़ा वाला बाथरूम उस साइड दिया हुआ है। तो भाई रात में एक प्रॉब्लम है इस रूम का, क्योंकि जो मेरा बाथरूम है ना वो नीचे हट के है, तो वो चीज़ थोड़ा सा हमको खटक रहा है। और यहाँ से देखिए मेरा रूम कितना प्यारा लग रहा है, छोटा सा रूम है बट क्यूट लग रहा है एकदम मस्त। देख रहे हैं, कोई देख तो नहीं रहा ब्लॉग बनाते हुए, क्योंकि रूम पे ब्लॉग हम बहुत कम बनाते हैं। तो ये है मेरा रूम, क्यूट लग रहा है, मस्त लग रहा है, मस्त एकदम लग रहा है। तो ये है छोटा सा अपना, यहाँ पे हमको अभी रहना है। इसको बढ़िया सा और डेकोरेट करेंगे, मस्त वाला डेकोरेट करेंगे इस रूम को। थोड़ा सा भी काम का थोड़ा सा टेंशन है, प्रेशर है भाई, और इसलिए और घर पे भी थोड़ा रहना पड़ जाता है कि बाबू छोटा छोटा सा बाबू है अभी, इसलिए चलिए कोई नहीं। और अभी थोड़ी देर में यहाँ से निकलेंगे काम के लिए, तो उसका भी बनाएंगे मस्त वाला ब्लॉग एकदम। आपको ब्लॉग डेली कंटिन्यू मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो चलिए मिलते हैं फिर एक छोटा सा टूर के देने का, बताइए कॉमेंट करके कैसा आपको लगा। कोई नहीं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक लिए बाय बाय।